नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोहम्मद शकील अहमद। जी न्यूज़ वालों ने आज संस्कृत विश्वविद्यालय में अपना प्रोग्राम किया था जनता की राय जानने के लिए। यहाँ पे सारे पार्टियों के लोग आए थे और सबने अपनी अपनी राय रखी। मुद्दे की कितनी बात हुई ये मैं, जिनका मुद्दा है जो आम जनता है, मैं उनसे बात करूँगा और उनके मुद्दे की बात करूँगा। तो आइए पूछते हैं। जी आप बताइए, कितने मुद्दे की बात की आपने? एक मैं कौन सा मुद्दा उठा? शिक्षा पे मैं बात किया हूँ जी। शिक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है जो कि यहाँ कोई नहीं बोल रहे। दूसरी बात, एक आपने बोला है और दूसरा कोई नहीं, सब अपने में लड़ रहे थे। जी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है जी, जो यहाँ बिहार के सभी अस्पतालों की हालात है अभी जी, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जी, है जी। तीसरा ये बात है कि विश्वविद्यालय जो है अभी तक चार बार से इनकी सरकार रही है विश्वविद्यालय में और चारों जिलों में इनकी सरकार है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया। आपने रोजगार की बात की, बिल्कुल शिक्षा के बजट की बात, शिक्षा के बजट की बात हुई है जो की शिक्षा तक आप लोग आ गए जी जी बिल्कुल, उससे आगे की बात हुई होने ही वाली थी। आपने क्या बात किया? देखिए क्या मुद्दा था मेरा, मुद्दा था मेन दरभंगा का मुद्दा था। दरभंगा में बाढ़ का मुद्दा उठाया, का मुद्दा, पानी जब गिर आती है, अभी जो बरसात होती है तो पूरा जग जलमय हो जाता है पूरा दरभंगा। यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था जाके देखिए, डीएमसीएच का हाल, वहाँ बिल्ली मौसी और कुत्ता पहरा देता, वहाँ नर्स नहीं है तो अच्छे डॉक्टर नहीं है। ये नाम क्या हुआ? अंकित नगर अध्यक्ष। आपने कौन से मुद्दे की बात उठाई? दरभंगा के मुद्दे की बात की। अभी भी 5 से 10 दिन हो गया बारिश, अभी भी मिथिला यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पानी लगा, डीएमसीएच पूरा पानी से घुटना भर पानी से भरा हुआ है, दरभंगा टावर पानी, सीएम साइंस कॉलेज। रोजगार है आपके पास? रोजगार कहाँ है? महंगाई कम हुई? कहाँ कम, महंगाई तो बढ़ रही है। आलू 40 रुपए के जी हो गया, कहाँ महंगाई कम हो रहा है? 10 रुपए के जी हो गया। आपका क्या मुद्दा? आपने मुद्दे की बात की थी न्यूज़ से? हम लोग दरभंगा के मुद्दे को लेकर बात किए हैं, लेकिन यहाँ पक्ष विपक्ष ज्यादा चल रहा था। यहाँ पक्ष और चल रहा था, एक लालू पर आरोप लगा रहे थे तो दूसरे नीतीश पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन हम लोग स्थानीय आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दरभंगा की बात करते हैं, जो जल जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है, या दरभंगा में गंदगी की समस्या है, ओवर ब्रिज की समस्या है, ये सब आप जाम लगने की समस्या है। बिल्कुल, लगातार जाम रहता है। आप दरभंगा की किसी सड़क में चले जाइए, 3 किलोमीटर का रास्ता आपको 1 घंटा तय करने में लग जाता है। यहाँ से मुझे बाजार खुल गया, स्कूल बंद है, ये भी समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, आपने समस्या आप दुर्गा पूजा को देख लीजिए ना, दुर्गा पूजा के लिए स्कूल बंद गया। दरभंगा टाउन जो शहर है जी, वहाँ एक भी ओवर ब्रिज नहीं है जी जी, जैसे दुनार बेला चट्टी चौक, उस पर क्या होता है कि सिर्फ शिलान्यास शिलान्यास चल रहा है, और जब जाम लगता है तो सारे स्टूडेंट कॉलेज आते हैं, कोचिंग आने के टाइम जाम में फंस जाते हैं और उनका क्लास छूट जाता है, कोचिंग छूट जाता है। दूसरी, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम काम किए हैं वहाँ 7 निश्चय के तहत जी, ठीक है काम किए हैं 7 निश्चय के तहत, वही काम किए हैं जो घर घर गली गली रोड था, वो घर घर गली नली दारू भिजवाने का काम किए हैं इन्होंने, और घरे घर। लेकिन दारू तो नहीं, कानून बन गया लेकिन दारू नहीं बन रहा है।